ईडी की हत्या की जांच जारी है। मामले में पुलिस ने अब तक 2 शूटर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच गोगामेड़ी की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर गोगामेड़ी की करोड़ों की संपत्ति का मालिक कौन होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोगामेड़ी की 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम शकुंतला चौधरी है, दूसरी पत्नी शीला शेखावत और तीसरी पत्नी का नाम सपना सोनी बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोगामेड़ी की 2 पत्नियों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर तनातनी चल रही है। अब गोगामेड़ी की पहली और दूसरी पत्नी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। हालांकि इसे लेकर गोगामेड़ी की दोनों पत्नियों की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि गोगामेड़ी की हत्या के वक्त घर में मौजूद चश्मदीद गवाह सपना सोनी ने गोगामेड़ी की तीसरी पत्नी होने का दावा किया है। सपना का कहना है कि वारदात के वक्त वो घर पर ही मौजूद थी। सपना ने पुलिस पूछताछ में बयान भी दर्ज कराया है। सपना ने वारदात से पहले और बाद में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर कई अहम सबूत भी दिए हैं। एक निजी मीडिया चैनल से खास बातचीत में सपना सोनी ने खुद को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीसरी पत्नी बताया है। कहा है कि पिछले 11 साल से वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ इसी घर में रहती है। उनका पति पत्नी का रिश्ता था। जब वारदात हुई तब भी वो घर की ऊपरी मंजिल पर कमरे में थी, मगर अब उनको लेकर राजनीति हो रही है। सपना ने कहा है कि 5 दिसंबर की दोपहर कई लोगों का आना जाना लगा रहा। इस दौरान किसी काम की वजह से मैंने सुखदेव गोगामेड़ी को ऊपर बुलाया, मगर उन्होंने कहा कि मिलने के लिए 3 लड़के आए हैं, थोड़ी देर में मैं आता हूँ। इतना सुनते ही वो कमरे का गेट बंद कर अंदर सोने चली गई। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बाहर बालकनी में आकर देखा तो वही युवक जो नीचे बैठे थे वो फायरिंग करते हुए भागते दिखे। नीचे आकर देखा तो सुखदेव गोगामेड़ी खून से लथपथ पड़े थे। वहां मौजूद लोगों के साथ गाड़ी से एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चंडीगढ़ से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया। मामले में लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो पुलिस ने लेडी डॉन पूजा सैनी को भी गिरफ्तार किया है। पूजा सैनी पर यह आरोप है कि उसने आरोपी शूटर्स नितिन फौजी को रुकवाने में मदद की थी। पूजा सैनी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का राजस्थान का काम देखती है। वारदात से पहले किसे हथियार सप्लाई करना है, किससे हथियार वापस लेना है और पैसों का सारा हिसाब किताब पूजा सैनी ही देखती थी। पूजा सैनी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।